बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, खुशियों से माला माल करे, हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखने वाला बनाए, एक दूसरे से मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आए। अल्लाह ताला फरमाता है हमें मुस्कुराकर बोलना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए। जब हमारे घर पर कोई आए मुस्कुराकर बात करें और उनकी ज़रूरियात पूछें और पूरी करें, अल्लाह ताला हम से खुश हो जाएगा। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज आपको क्रोचिट के बहुत प्यारे प्यारे मांस दिखा रही हूँ, जो कि मांस हमारे लिए बहुत अलाउ है। इसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं, क्योंकि हमारी बेटियां कहती हैं कि बहुएँ, बेटियां, भांजियां, भतीजियां के हमारा मांस सबसे ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि किसी फंक्शन में जाएं तो उन्हें मांस बहुत ज़रूरी पहनना होता है। मांस के बगैर तो हम क्लिनिक भी नहीं जा सकते, डॉक्टर के भी नहीं जा सकते, मार्केट भी नहीं जा सकते, हम किसी भी मॉल नहीं जा सकते, कहीं घर भी नहीं जा सकते, खाला के, मामी के, फुप्पो के, किसी तरफ भी नहीं जा सकते। इसलिए मांस अलाउ है। ये क्रोचिट के मांस हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये मांस हम वाश कर सैनिटाइज कर दोबारा भी लगा सकते हैं। इसको हम 10 मरतबा भी धोएं, वाश करें तो 10 मरतबा दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम मार्केट से ख़रीदे हुए, क्लिनिक से ख़रीदे हुए मांस दोबारा नहीं इस्तेमाल होते, एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो ख़राब हो जाते हैं, दोबारा इस्तेमाल नहीं होते। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मांस नहीं ख़रीद सकते, उनके लिए क्रोचिट के मांस बनाकर फी सबीलिल्लाह तकसीम करना भी बहुत बड़ा सवाब है, क्योंकि गरीब लोग मांस नहीं ख़रीद सकते। हम बनवा कर किसी गरीबों में तकसीम करते हैं फी सबीलिल्लाह। अगर आपको हमारी ये वॉइस पसंद आई तो